आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। इशू देना मुझे, खुद ले लो। प्रॉब्लम है तुम्हें, अपाहिज हो क्या? माफी मांगो। माफी मांगे मेरी जूती। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप इस वक्त मेरे घर से चले जाएं। घर? इससे तो बड़े हमारे नौकरों के कमरे होंगे। होंगे, लेकिन अंदर से ना आप मुझसे भी ज्यादा गरीब हैं। तो बेहतर है कि आप इस वक्त मेरे घर से चले जाएं। माफी मांग लो, मैं चला जाऊंगा। शिवाय कहाँ रह गया? आया क्यों नहीं अभी तक? या बेटा, देख तेरा गून कितना सोना है, नाइस कलर ना। इसमें ना तेरी बूटी बड़ी खिलने वाली है। सब लोग कहेंगे सबसे ब्यूटीफुल अगर कोई बहू है तो पिंकी की। You mean beautiful? हाँ जी, जैसे मेरी है। सारी लड़कियाँ ना, they are chilling from me. बूटी तो मेरी लैस हो गई है पुत्र। लगता है किसी की बुरी नजर लगी है मुझे। It's beauty, Pinky. तुमने अंग्रेजी तो सीख ली, लेकिन आधी अधूरी। ठीक है, कल के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एक बार फिर से चेक कर लेना। बहुत सारे वीआईपीज होने वाले हैं कल। मेयर साहब भी आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि मेयर साहब का खास ख्याल तुम रखोगे। डोंट वरी दी, सब हो जाएगा। जाओगी? कोई नहीं जिठानी जी, अंग्रेजी आधी आती है पर हॉर्स वेव तो मैं पूरी हूं ना। आपके हस्बैंड की तरह मेरे हस्बैंड को कोई सिक्योर होल्डर नहीं है। वो देखो आ गई मेरी हाफ जिठानी। शट अप पिंकी। ओ यू डबल शट अप हर बात पे। मैंने कहा सॉरी बोलो। नहीं बोलूंगी, क्या कर लेंगे? ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू नो। मुझे चिल्लाने पे मजबूर मत कीजिए, चले जाइए। चिल्लाना टिपिकल लो क्लास बिहेवियर। हाँ, और एक बच्चे को अपाहिज बोलो तो बहुत ही अपर क्लास बिहेवियर है ना। आप जा रहे हैं कि नहीं?
तेजाब है, 3-0 तेजाब के पीछे, पता 3-0। आज की ये इंसल्ट ना मैं खुद भूलूंगा ना तुम्हें भूलने दूंगा। माफी तो तुम मांगो, गुस्सा मत किया कर। गुस्सा चिंगारी जैसा होता है, मन में रहे ना तो जलाता रहता है। क्या हुआ? अरे सारी सब्जी गिरा दिया मेरा। अब रुक देखो, सारी की सारी सब्जी गिरा दिया मेरा। अरे बड़ी गाड़ी खरीद लिया तो क्या हुआ? पूरा का पूरा सड़क खरीद लिया क्या आपने? हुआ क्या? अरे क्या हुआ क्या, देखो आपने कितना नुकसान कर दिया है मेरा। अब ये नुकसान कौन भरेगा? अरे सारा सब्जी बर्बाद हो गया मेरा। अब क्या हुआ? गाड़ी शुरू नहीं हो रही है। तो दूसरी गाड़ी मंगा लेना। नहीं, उसमें वक्त लगेगा और मैं यहाँ पर ना 1 मिनट और नहीं रुकूंगा। I'm gonna call the cab. चलिए जल्दी। Let's go. हाँ जी, मैंने तो इनसे कहा था। पिंकी, अगर तुम्हें कुछ भी कहना तो मुझसे कह सकती हो, बट डोंट यू डेयर टॉक अबाउट तेज एंड स्वेतलाना। और वैसे अब तुम सास बनने जा रही हो, सो बेटर लर्न हाउ टू स्पीक। सास बन रही हूँ इसीलिए तो जेठ जी और आपके सीने पर सांप लौट रहे हैं। What rubbish! अपने कानों से सुना है मैंने जेठ जी को ओमकारा से कहते हुए कि शिवाई की टिया से शादी हो रही है, इसलिए वो आगे बढ़ जाएगा और आपके दोनों बेटे पीछे रह जाएंगे। You know what, पिंकी? तुम्हारे साथ एक ही छत के नीचे रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है दिन पे दिन। सॉरी यार साहेब, तेरे बर्थडे पार्टी में इतना सारा ड्रामा हो गया। इतना बुरा भी नहीं था दीदी, वो जो 17 नंबर वाली पिंकी है ना, हाँ हाँ। वो आपका झगड़ा देख के डर गई थी, तुम मेरा हाथ पकड़ के कब के बैठी रही थी मैं। पागल। और मेरा गिफ्ट? देख अनिका दीदी ने एक स्पेशल गिफ्ट तैयार किया तेरे लिए, वो भी अपने हाथों से, फिर कभी लाती हूँ। क्या रहा था? लॉकर की चाबी कहाँ चली गई? चल चल चल। इसमें? यहाँ से बाहर निकलना है ना तो यही उड़न खटोला सबसे जल्दी लेके जाएगा। चल दादी, अरे चल ना तू। चल भाई। चल चल भाई। परेशान क्यों लग रही है? मेरी जान जैसी बहू को ना नजर ना लगे। वैसे ना यहाँ नजर लगाने वाले सर पे मंडराते रहते हैं। बी वेयर। तू परेशान क्यों है? इट डोंट सूट यू। नहीं नहीं आंटी जी, परेशान नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ लिटिल नर्वस। वो शिवाय अभी तक लौटा नहीं ना। ओहो, शिवाय भी आ जाएगा बेटा। उसकी लेट आने की आदत से तो मैं आज तक परेशान हूँ। लर्न टू गेट यूज्ड बेबी। यू वेट, वो भी लगा लो। वैसे तेरी सगाई की तैयारियां बची हुई है, तू यहाँ क्या कर रही है? घर जा, जा पुत्र। ये अब भूल जाती है क्योंकि मम्मी जी आ रही है ना इन्हें लेने, ये खुद कैसे चली जाए। ओहो, मेमोरी लॉस, भूल तो गई मैं, समधन जी आने वाली है। समधन जी जब जिया? ओह, बॉम इज हियर। ओहो, समधन जी, हाउ आर यू? हाय हाय,
कितने सोने लग रहे हो। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी यार, हम दोनों कितनी यंग दिखती हैं। तुम तो नोट हमें सूट नहीं करता। व्हाट से थैंक यू आई मस्ट से यू आर रियली वेरी स्वीट। ओह सेम टू यू। तू क्या खीखी कर रही है, दांतों की दुकान जा, कहीं जमा रही है खड़े होके। हमारे लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। समधन जी आए हैं बल्जेरियन टी शर्ट निकालना। पिंकी जी प्लीज नो फॉर्मेलिटीज, मैं तो यहाँ बस टिया को पिकअप करने आई थी। ओहो, तो उसे पिकअप भी करा लेंगे। वैसे सगाई की तैयारियाँ ना बड़ी धूमधाम से चल रही है, बड़े बड़े लोग आएंगे। हाँ, और वैसे एक आध शराबी तो हर बारात में डोलता हुआ नजर आ जाता है। सूत्रों के अनुसार भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति परिवार ओबराय के नौ निहाल शिवाय सिंह ओबराय का रिश्ता तय हो चुका है और कुछ ही दिनों में उनकी मंगनी होने वाली है। लो जी, ये दिन आ गए। बाहर वालों से पता चल रहा है कि शिवाय की सगाई हो रही है। मैं बताया तक नहीं किसी, हद हो गई है। न महाआरती में बुलाया, ना सगाई में बुला रहे। तो कोई बात नहीं, कोई बुलाए या ना बुलाए, मैं तो जाऊंगी। महाआरती में नहीं जा पाई थी पर अपना बंदा तो भेज ही दिया था ना। बेचारे को ना जलने वाले लाइटर की बजाय जलने वाला लाइटर दे दिया ताकि खूब बेइज्जती हो इस ओबेरॉय खानदान। पर कोई फायदा नहीं हुआ, एक न्यूज तक नहीं आई उसकी जलने की। सच्ची अपना काम ना खुद ही करना पड़ता है और अब तो मैं खुद जाऊं। सुनो वैसे गिफ्ट क्या लेके जाऊं? सचिन फंक्शंस पे जाने का ना यही पंगा होता है, समझ ही नहीं आता क्या गिफ्ट लो क्या ना लो। और वैसे भी गिफ्ट तो ऐसा होना चाहिए ना कि सब लोग याद रखें इस ओबेरॉय खानदान ने कितना कुछ किया हमारे लिए, अब हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। ओ माय माता जिठानी जी, शर्म है नहीं तो थोड़ी उधार ही ले आती। मेरी समधन आई हुई है और आप यहाँ पर झूम बराबर झूम वोट्स में हो। प्लीज लेट मी बी पिंकी, इट्स नो बिग डील। इट्स नो बिग डील। ओ बिग डील आपकी कैसे होगी, बिग डील तो मेरी है ना। शादी मेरे बेटे की होने जा रही है, 1500 करोड़ की डील भी उसकी है, तो अब आपको तो गम घटाने के लिए कटकना ही पड़ेगा। क्यों, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी पिंकी। भला शिवाय की खुशी से मुझे क्यों जलन होगी, ही इज लाइक अ सन टू मी। जिठानी जी ये सन मून ना मुझे ना दिखाओ, आपकी शक्ल पर साफ साफ नजर आ रहा है कितनी जल भून रही हो मेरी बहू को देख देख कर। फ्रैंकली स्पीकिंग तुम्हारे अलावा तुम्हारी बहू में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहू होगी तो इंटरेस्ट होगा ना, मेरी बहू है इसलिए उसकी बातें हो रही हैं। आपकी किस्मत में तो बहू का सुख भी नहीं लिखा है। ओमकारा कोई देख लो, बहू लाएगा तो दोनों एक दूसरे की जुल्फे ही सवारते रहेंगे। लोगों के बेटे बहुओं के हेयर्स में ना फ्लोवर्स लगाते हैं, यहाँ आपकी बहू बेटे की जुल्फों में फ्लोवर्स लगाएगी। सो स्वीट। और रुद्र उसकी तो हालत ही खस्ता है, फैशन टीवी की मोटेज होती है ना, वो उससे ज्यादा कपड़े पहन लेती है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुमसे बात करना ऐसे जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकना। कीचड़ बोला, मुंह फेर के किस लिए आ गए? बात करनी है तो सामने बात करो ना, कीचड़ हूं ना मैं। पर कम से कम इस हालत में तो हूँ कि ठीक से बात कर सकूं। आप तो आधे घंटे में पंजाब की बरातियों की तरह डोलते नजर आओगे, शराब बन कहीं की। पिंकी, अपना मुंह बंद रखो प्लीज। मैं भी देखती हूँ मेरा मुंह कौन बंद कराता है। कराओ बंद, ट्राई करो, कराओ कराओ बंद कराओ। आपने देखा, देखा कितनी जाहिल है ये। अभी प्लीज कम से कम आप तो चुप हो जाइए। आप पिंकी को चुप कराइए,
मुझे नहीं। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है शक्ति, कि तुम जब भी कुछ मांगते हो गिड़गिड़ा के मांगते हो। इसे तुम्हारी अपनी बीवी तुम्हारी सुनती नहीं और ना ही किसी और। इन्हें ज्ञान देने से पहले ना आप अपनी औलादों को ज्ञान दें तो बेहतर रहेगा। एक वो रुद्र है जो डोले बना बना के लड़कियों का ही पीछा करता रहता है, और दूसरा जटाधारी ओमकारा अपनी माँ के नक्शे कदमों पर चल रहा था, पत्ते और नशे में पड़ा हुआ था। वो तो मेरा शिवाय से रिहाब ले गया, वरना उसने नहीं सुधरना था। नशेबाज माँ की नशेड़ी औलाद। Let's go. ये थप्पड़ तो आपने मार लिया जेठानी जी, पर अब इस थप्पड़ की गूंज आपको ना सुनवाई ना तो पिंकी एक बाप की औलाद नहीं। आज तक मैं सब इग्नोर करता रहा, लेकिन अब बस। भाभी, लड़ाई आपने भी की और पिंकी ने भी, लेकिन आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। कर आपने बात बहुत ज्यादा बढ़ा दी। अब इस घर में आप सबके साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया। तुम्हारे साथ रहना तो मेरे लिए हमेशा से मुश्किल था शक्ति। अच्छा हुआ ये बात सामने निकल कर आई। अब हमें अलग होना चाहिए, क्यों जान? बिल्कुल ठीक कहा जेठ जी। ओबेरॉय मैंशन का बंटवारा वो कर रहा है।